एक पति पत्नी थे, दोनों अभी पिछले महीने शादी हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी माँ बाप की जबरदस्ती करने से शादी हो गई। लगा चलो बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, रास्ते पर आ जाएंगे। अब पत्नी जो लड़की थी वो भी किसी और से प्यार करती थी, इससे शादी करना नहीं चाहती, वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, पर माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी। जो लड़का था वह भी किसी लड़की से प्रेम करता था, उसके भी इच्छा नहीं थी इस लड़की से विवाह करने की, वह भी किसी और लड़की से विवाह करना चाहता, पर माँ बाप का इतना दबाव हुआ कि दोनों बिना इच्छा के शादी के मंडप पर बैठ गए और विवाह भी कर लिया। दोनों पति पत्नी हो गए, दोनों एक साथ रहने लगे, एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक साथ खाना, रहने लगे। क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के पास रहते रहते, थोड़ी थोड़ी बातें करते करते, उन्होंने धीरे धीरे जब वो साथ में रहने लगे, पहले प्रेम नहीं था, पर जब वो साथ में रहने लगे रहने लगे रहने लगे, तो फिर उन दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम जाग गया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, और दोनों की गृहस्थी अभी बिल्कुल गंदी थी, अब बहुत अच्छी हो गई। क्यों, अभी प्रेम नहीं था दोनों के बीच में, तो उनकी गृहस्थी उजड़ी उजड़ी सी थी, लेकिन जब से उनकी गृहस्थी में प्रेम प्रवेश किया, उनकी गृहस्थी बसी बसी सी लगने लगी कि गृहस्थी बस गई। प्रेम के बिना जीवन उजड़ा है, प्रेम के बिना जीवन कैसा है, उजड़ा है, और प्रेममय जीवन बसा हुआ है। अर्थ क्या हुआ, वह लड़की किसी और से प्रेम करती थी, वह लड़का किसी और से प्रेम करता था, पर रहते रहते प्रेम होता है। उसी तरह हम कह रहे हैं, वो लड़का लड़की कोई और नहीं, हम और आप ही वो लड़का लड़की हैं। हम लोगों को भी किसी और से प्रेम है, किस से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से, अपने पैसे से, हम लोगों को भी इनसे ज़्यादा प्रेम है, भगवान से थोड़ी प्रेम है। पर मैं कहता हूँ कि जैसे वो लड़की लड़का साथ में रहते रहते प्रेम करने लग गए, ऐसे तुम भगवान के करीब रहो रहो रहो, धीरे धीरे भगवान के पास रहते रहते, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते, धीरे धीरे कीर्तन करते करते, ना चाह करके भी तुम्हारा प्रेम एक न एक दिन जाग जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति जाग गया, समझ लेना कि उसी दिन तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। अच्छा, प्रेम जल्दी नहीं जागता मैया, ऐसा नहीं कि आप आज ही कथा सुने, आज ही आपने वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन किया और आज ही प्रेम जाग गया, ऐसा होता है पर बहुत कम होता, करते करते। भगवान के चरणों में जब तक हमारा प्रेम ना हो, मेरी माँ मैं जंगल भी चला जाऊं और समाधि में डूब जाऊं, पर मेरी समाधि भी सफल तब होगी जब मेरे अंदर भगवान के चरणों में प्रेम होगा। मेरी तपस्या भी पूरी तब मानी जाएगी जब मेरा भगवान के चरणों में प्रेम होगा। सच्ची कहता हूँ मेरी माँ, बिना प्रेम के जीवन शून्य है, जीवन अधूरा है। इसलिए कहा करता हूँ, आप लोगों को प्रेम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो प्रेम करते हैं। आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं, किन से? विडम्बना ये है कि आप लोग प्रेम करते हैं। अच्छा, आप लोगों को प्रेम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खूब प्रेम करते हैं, पर प्रेम आपका गलत डायरेक्शन में है। किस से प्रेम है? यदि हमारा प्रेम बच्चों से हो गया तो उस प्रेम को जमाना नाम क्या देगा, बोलो? उस प्रेम का नाम है मोह। क्या नाम है उसका? लोग कहते हैं इनको बच्चों से बड़ा मोह है, इनको बच्चों से, बोलो, बड़ा क्या है मेरी माँ?
मोह। यदि प्रेम पुत्र से जुड़ जाता है तो वह प्रेम मोह बन जाता है। यदि वह प्रेम पत्नी से जुड़ जाए, पति से जुड़ जाए, तो उसका नाम ममता हो जाता है। लोग कहते हैं तुम्हें घर गृहस्थी में बहुत ममता है। क्या है? ममता बहुत है। यदि पत्नी से वह प्रेम जुड़ गया तो वह ममता हो जाता है, वह वासना भी बन जाता है। पत्नी से जुड़कर प्रेम क्या बन जाता है? वासना, ममता। यदि वही प्रेम आपका पैसों से हो जाए तो उस प्रेम का नाम हो जाता है लोभ। लोग कहते हैं बहुत लोभी है। देखो जी मैया, प्रेम तो ज्यों का त्यों है, प्रेम तो पानी की तरह, जरा सुनिएगा, प्रेम का स्वरूप पानी की तरह होता है। प्रेम कैसा होता है? प्रेम कैसा होता है मेरी माँ? पानी की तरह। पानी को लाल रंग में डाल दो तो पानी लाल हो जाता है, हरे में डाल दो तो पानी हरा। पानी का कोई रंग नहीं है, पानी को जिसमें मिलाओ पानी वैसा। उसी तरह प्रेम का कोई रंग रूप नहीं होता। प्रेम को यदि पत्नी के साथ जोड़ दोगे प्रेम वासना बन जाएगा, प्रेम यदि पैसे के साथ जुड़ जाएगा तो प्रेम लोभ बन जाएगा, और वही प्रेम भगवान से जुड़ जाएगा तो वही प्रेम भक्ति बन जाएगा। अब आपको देखना है कि अपने प्रेम को किससे जोड़ना है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करे तो उसका प्रेम या तो ममता कहलाएगा या तो वासना कहलाएगा। इससे ज्यादा उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं। हाँ या ना? यदि कोई पुरुष ज्यादा ही पत्नी के पीछे पीछे घूमने लग जाए तो जमाना कहेगा बड़ा स्त्री लंपट है। जमाना उसे नाम देगा स्त्री लंपट है। मतलब उसका प्रेम यदि स्त्री से जुड़ गया तो उस प्रेम को लोगों ने स्त्री लंपट नाम दे दिया। कोई स्त्री बहुत प्रेम करने लग जाए अपने पुरुष से और संसार की वासना रखे, इच्छाएं रखे, तो उस प्रेम का नाम काम हो जाता है। बड़ी कामी है स्त्री या पुरुष, कामी मतलब प्रेम का नाम काम हो गया। और वही प्रेम यदि बिहारी जी के चरणों से जुड़ गया तो लोग कहते हैं कितना बड़ा भक्त है भगवान का। वह प्रेम क्या बन गया? भक्ति। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप अपने प्रेम को वासना बनाते हैं या फिर उपासना बनाते हैं, मर्जी आपकी है। आपका प्रेम आप कहां समर्पित करते हैं? जो लोग कहते हैं कि संसार से किया हुआ प्रेम, आजकल के नौजवान बच्चे लड़का लड़की प्रेम करते हैं और वो कहते हैं प्रेम कर रहे हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। तुम भले सच्चा प्रेम करते हो अच्छा है, पर तुम्हारा प्रेम है क्या? स्त्री के लिए प्रेम है तुम्हारा, पुरुष के लिए प्रेम है तुम्हारा, तो क्या स्त्री से हुआ प्रेम, पुरुष से हुआ प्रेम क्या तुम्हारी गति कर सकता है? क्या वह प्रेम तुम्हारा कल्याण कर सकता है? कर लो ना प्रेम, और क्या आप करते नहीं हैं? आप कितना भी प्रेम अपने पति और अपनी पत्नी से कर लो, वह प्रेम संसार का सुख दे सकता है, वह प्रेम शारीरिक सुख दे सकता है, लेकिन वह प्रेम कभी तुम्हें भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने प्रेम को केवल वासना ना रहने देना, अपने प्रेम को भगवान से जोड़कर उसे भक्ति बनाना। प्रेम ही भक्ति है। प्रेम पानी की तरह होता है, पानी का कोई रूप रंग नहीं है, जिसमें मिलाते जाओ वैसा बनता जाता है। इसलिए प्रेम किससे होना चाहिए मेरी माँ? भगवान से। आप लोग प्रेम करती हो या करते हो, आप लोगों को प्रेम कोई नई चीज नहीं है। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, आप अपने पति से प्रेम, आप अपनी दुकान अपने पैसों से प्रेम करते हो, तो आपको प्रेम है। बस इतना सा आपको काम करना है
कि आपका प्रेम जो संसार के प्रति है, आप संसार के लोगों से, लोगों को वहां से हटाकर उस स्थान पर भगवान को बिठा दीजिए तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। अभी तक प्रेम संसार से है, अब भगवान से हो जाएगा। अच्छा, संसार के लोग क्या आपके प्रेम का मूल्य दे सकते हैं? अच्छा, आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम करती हो, तो बहुत प्रेम करती होगी तो आपको क्या दे सकती है? आपका पति आपको बहुत प्रेम करता होगा तो आपको क्या दे सकता है? क्या देगा आपका पति आपको? क्या देता है? सोना दे सकता है, पैसा दे सकता है, शारीरिक सुख दे सकता है, इससे ज्यादा बेचारे के पास है क्या? क्या देगा? एक स्त्री पुरुष को क्या दे सकती है? सुख के सिवा, शारीरिक सुख के सिवा क्या दे सकती है? इससे ज्यादा लोगों के पास कुछ है भी तो नहीं। क्या है आपके पास? लेकिन सच्ची कहता हूं मेरी मां, संसार के लोग आपको क्या दे सकते हैं उसकी एक लिमिट है। लेकिन भगवान से यदि प्रेम हुआ तो भगवान आपको वो दे सकते हैं जो संसार का कोई व्यक्ति आपको और हमको नहीं दे सकता। संसार में वो चीज ही नहीं है जो आपको मिल जाए प्रेम का सही मूल्य। जब मीराबाई द्वारिका पहुंची, देखो मीराबाई ने प्रेम भगवान से किया, और जब वो द्वारिका गई, द्वारिकाधीश के चरणों में बैठी रोती रहती, और जब उनके यहां चित्तौड़ से बुलावा भेजा कि जाओ मीरा को बुला कर लाओ, यहां से ब्राह्मण देवता चले, मीरा अब उस समय मीरा को जहर पिलाने वाला राणा मर चुका था, मीरा का बुढ़ापा आ गया था, राणा मर चुका था, राणा की जगह कोई नया राजा आ गया था। उसको पता चला कि यहाँ मीरा नाम की कोई लड़की हुई थी, बहुत बड़ी भक्त थी, पर उसके साथ राणा लोगों ने बड़ा अत्याचार किया। उन लोगों को पता चला तो उन लोगों ने बुलावा भेजा कि ऐसी भक्ति मती स्त्री हमारे नगर में रहेगी तो हमारी नगर की भक्ति बढ़ेगी, यहाँ का यश बढ़ेगा, यहाँ की कीर्ति बढ़ेगी। तो बुलावा भेजा मीरा को, जाओ मीरा को लेकर आओ, ब्राह्मण देवता चले, नगरवासी प्रतिष्ठित लोग चले। मीरा उस समय द्वारिका में मंदिर प्रांगण में रो रही थी। गांव नगर के लोगों ने कहा, मीरा राणा मर गए हैं और अब कोई बढ़िया राजा हैं, चलो वो तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, अब तुम बहुत सुख से वहां रहना। मीराबाई रोने लगी जोर जोर से द्वारिकाधीश को देखकर, हे द्वारिकाधीश, क्या फिर आपके चरणों को छोड़कर मुझे संसार में जाना पड़ेगा? हे द्वारिकाधीश, अब मैं थक गई हूँ जा जाके यहाँ वहाँ, अब मुझे अपने चरणों से दूर ना करो द्वारिकाधीश। और ऐसे कह करके ना उसकी सच्ची लगन भगवान से लगी। जब रोने लगी, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर दिया, तो उसका रोना भगवान देख ना सके भक्तों, और भगवान का मुंह खुला। आप बता दूं, मीराबाई की आज भी दुनिया में कहीं समाधि नहीं है। अंत समय द्वारिकाधीश का मुंह खुला, उस समय वहां बहुत सारे भक्त मौजूद थे, सबके आंखों के सामने की बात है, मुंह खुला द्वारिकाधीश का, और भगवान मीरा को अपने मुख में स्थान देते हैं, और अंत में मीराबाई भगवान के हृदय में समा गई। अर्थ यह हुआ, भगवान ने शरीर सहित मीरा को मुख के द्वार से अपने परम धाम में भेज दिया। वह मीरा भगवान के मुख में समा गई। अब देखिए ना, संसार का भक्त यदि मीरा अपने पति से प्रेम करती तो बताओ उसका पति उसे क्या देता? लेकिन भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने अपने मुख में स्थान दिया, और आज सदियां बीत गईं, लेकिन मीरा की तरह दूसरी स्त्री को इतने भाव से तो नहीं देखा और पूजा जाता। मीरा जैसी तमाम स्त्रियां हो सकती हैं तो उनको भी मीरा की तरह आदर मिलता है, जो भगवान से जुड़ गया उन्हें आदर मिलता है, नहीं तो आज संसार में क्या स्त्रियों की कमी है? लेकिन वह मीरा जैसी प्रतिष्ठा तो आज कोई स्त्री नहीं पा रही है। क्यों?
यही अर्थ है ना भक्तों, कि भगवान से जुड़ जाने के बाद आप वह प्राप्त कर लेते हैं जो संसार के लोग आपको नहीं दे सकते। इसलिए प्रेम भगवान से किया जाए, केवल गोविंद से प्रेम किया जाए। ये संसार के लोग प्रेम ठीक है, आप 2% प्रेम संसार से करिए, पर 98% 98% प्रेम भगवान से करिए। अधिकता भगवान की तरफ हो, थोड़ी थोड़ी ठीक है कि काम चलता रहे इन लोगों का संसार का, नहीं तो ये बिना प्रेम के ये सब फीका हो जाएगा, पर अधिक प्रेम भगवान को।